हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे थे अपने फ्रेंड को मिलने के लिए, अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर। तो चलो आपको भी बीच में दिखाते हैं वहां का नेचर वगैरह। तो बने रहो वीडियो के साथ और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो बने रहो वीडियो के साथ। तो गाइस निकलने वाले हैं हम, अभी हमारी जर्नी होने वाली है स्टार्ट। तो निकलो भाई। तो गाइस चलो मिलते हैं हम, तो दिखाते हैं हम आपको व्यूज यहाँ के, क्या क्या हैं, क्या पहाड़ है यहाँ के, क्या वादियाँ हैं यहाँ की। अभी तो यहाँ बर्फ नहीं पड़ी है, थोड़े टाइम के बर्फ पड़ जाएगी, तो देखते रहें वीडियो को। क्या भाई गाड़ी धो रही हो यहाँ पे खुद ही? और यहाँ पे हमारे अमरीक सिंह निकल चुके हैं आगे, तो हम भी तो आराम से चलेंगे, ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं है हमें भगाने की बाइक को, क्योंकि ठंडी बहुत है यहाँ पर। तो यहाँ पे अभी धूप भी है और शाम भी है, तो थोड़ा ठंडा सा मौसम है। तो हम अभी पहुंचने वाले हैं कुंडरधान। ये एक छोटा सा रास्ते में ही बाजार पड़ता है, तो ये यहाँ की मार्केट है, हम आपको दिखाएंगे। ये कुछ छोटी सी दुकान है यहाँ पे, एक रास्ता है गांव पे जा रहा है बीचों में, जो ये सामने आपको दिख रहा होगा ये गांव के बीच का रास्ता है, तो ये मेन सड़क है। ये देखो भाई गांव के घर, और भाई यहाँ पे चेक पोस्ट, यहाँ पे हमारे विलेज वालों की लास्ट चेक पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी। यहाँ से अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस रजौरी पड़ जाता है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो अभी आने वाला है पुल, हम पहुँच चुके हैं पुल पर। तो यहाँ पे निकलने वाले हैं हम इनसे, अमरीक सिंह से आगे, और आगे हम निकल चुके हैं यहाँ पे। और हमने अपना कैमरा करा है बाइक की साइड पे डोन, कैसा लग रहा है बताएं ज़रूर। यार ये कोई मत सोचना कि हमने रेस लगाई है, हमने कोई रेस नहीं लगाई है, हम बस अपने आराम से नॉर्मल स्पीड से ही चल रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं डंडोती, जो कि डंडोती के बाज़ार है,
छोटा सा, तो यहाँ पे मेडिकल शॉप भी थी कुछ हमारे रिलेटिव की, वो मिल नहीं रही है, और यहाँ से आगे रह गया है सिर्फ 4-5 किलोमीटर का रास्ता। हमारी बिलो रानी चल रही है आगे, और ये क्या बीच में आ चुके हैं डोंकी, तो बंदा कैसे हट रहा है भाई, पागल थोड़ी ना, हम तेरे पे चढ़ा देंगे। तो बहुत ज़्यादा हवा है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रही, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है हमें इस टाइम पे। तो पहुँचने वाले हैं हम अब बुद्धर में अपने फ्रेंड के पास। रोड ये क्या सामने से आ रही है मेटेड, और हमें रुकना पड़ेगा एक साइड क्योंकि ये वन वे ब्रिज है। भाई थोड़ी आगे लगा लो, चलो अच्छी बात है बच के ये लो, मुझे लगता है मेटेड और वाला इनको कहीं को चला दे। यहाँ की सड़क की हालत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है भाई, पूछ ही मत, तो आप तो आपको तो दिख ही रहा होगा वीडियो में कैसी सड़क है यहाँ की, बहुत सारे गड्ढे हैं सड़क में। हम पहुंच नहीं वाले हैं बदल में, जो कि हम आर्मी कैंप के अंदर एंटर करने वाले हैं। ये यहाँ पर आर्मी कैंप है बदल में, और यहाँ पे एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी है, हो सके मैं आपको दिखा दूँ वीडियो में, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है हमें फोटोग्राफी करना, वीडियो क्लिप बनाना किसी को भी अलाउड नहीं है। यहाँ की छोटी सी दुकान, और एंटर कर चुके आ गया हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। और आपको मैं बता दूँ साथ ही साथ में हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमने तो अपने फ्रेंड को मिलना था तो मिल लिया, उसकी फैमिली रीजन की वजह से हमने उनके घर में वीडियो शूट नहीं की,
तो इसीलिए हमें अपना जो काम था वो करके हम वापस निकल चुके हैं। तो चलो गाइस चलते हैं वापस, वहीं से स्टार्ट किया हमने वापस अपने आर्मी कैंप से। तो बीच में हम आपको थोड़ा बहुत वो दिखा लेंगे। तो गाइस ये गुरी है, गुरी ने रोड की आउटसाइड पे चढ़ा दी है बाइक, और यहाँ का देखो व्यू जो कि सूरज अब ढलने वाला है। तो यहाँ एक छोटा सा गांव है, यहाँ आगे मैं वाटरफॉल दिखाऊंगा। और हम आप पहुँच चुके हैं वाटरफॉल के पास, और ये है वाटरफॉल, बहुत ही ऊंचा है ये। तो पहाड़ वगैरह देख लो, तो ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। तो देखिए पहाड़। तो गाइस यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो ख़त्म, तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।